नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जहां भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। भीम आर्मी प्रमुख ने बीजेपी के केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के संरक्षण में पल रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी। उन्होंने कहा कि पहली गोली मेरे कान के पास से होकर गुजरी, हमलावरों ने किए एक के बाद एक कई फायर। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में पुलिस अभिरक्षा में की जा रही है कैदियों की हत्या। उन्होंने प्रयागराज में हुई अतीक अशरफ की हत्या का दिया हवाला। कहा और तो और अब कोर्ट में भी हो रही है कैदियों की निर्मम हत्या। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुजरिम संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हुई हत्या सरकार के लिए शर्म की बात है, लेकिन बीजेपी खोखले दावे हमेशा से करती आ रही है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों ने मुझ पर हमला किया, फिर भी मैं बच गया, क्योंकि मेरे साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं गोली बंदूक से नहीं डरता। हम घूम रहे हैं, ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है? सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गांव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है, तो अगर उसको कुछ होगा, या किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है, और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना पर ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं, और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।